हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन ऑफ ओनली आईएएस। डेट है आज की 9 सितंबर 2019। ये कुछ पेड कोर्सेज हैं ओनली आईएएस की तरफ से। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड इनको ज्वाइन करने के लिए वो इन लिंक्स पर विजिट कर सकता है या फिर हमें मेल भी कर सकता है। देखते हैं आज के बास्केट में हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मेगा फूड पार्क से रिलेटेड। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये कुछ बड़ा सा पार्क या फिर एक बड़ा सा एरिया होगा जहाँ पर हम फूड्स में कुछ वैल्यू एडिशन करते होंगे, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है ना। तो ये न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के यूनियन मिनिस्टर जो हैं हरसिमरत बादल, उन्होंने तेलंगाना का पहला मेगा फूड पार्क इनॉग्रेट किया है। ये मेगा फूड पार्क निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। अब हम समझते हैं सबसे पहले ये मेगा फूड पार्क एक्चुअल में होता क्या है। तो आप जैसे इस डायग्राम में देख रहे होंगे, इसका पूरा मॉडल हम समझते हैं। ये पूरा मॉडल हब एंड स्पोक मॉडल पर बेस्ड है। हब एंड स्पोक मॉडल क्या होता है कि आप एक बड़ा सा व्हील समझो, व्हील में सेंटर में कुछ एक प्रोसेसिंग यूनिट होगी और इसको सब कोई दूर दूर से कनेक्ट होता हुआ सब सेंटर में जाएगा और फिर सेंटर से कुछ एक बड़ा आउटपुट निकलेगा। ठीक है, मतलब ये व्हील और इसकी तीलियां जो होती हैं ये हब एंड स्पोक मॉडल टाइप का कुछ होता है। अब यहाँ पर होता क्या है कि सबसे आउटर पेरीफेरी पे हम देखते हैं जो भी फार्मर ग्रुप्स होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं या इंडिविजुअल फार्मर्स होते हैं, ये लोग अनाज उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं और उसको क्या करते हैं, जो भी कलेक्शन सेंटर होते हैं ना यहाँ पर इन लोग कलेक्ट कराते हैं, सबमिट कर देते हैं और उसके पैसे ये लोग ले लेते हैं। अब होता क्या है कि ये कलेक्शन सेंटर कुछ इनको प्रोसेस करता है या फिर इनको सीधे प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर में भेज देता है। यहाँ पर पीपीसी के बाद यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली सॉर्टिंग होगा। जैसे कि आप ये देख लो कि कुछ छोटे नींबू हैं, कुछ बड़े नींबू हैं, तो जो बड़े नींबू होंगे उनके कॉस्ट ज़्यादा मिलेंगे तो उनको अलग कर दो, या फिर ग्रेडिंग दे दो कि ये ग्रेड ए का है, ये ग्रेड बी का है। जैसे एप्पल्स वगैरह आते हैं तो उन एप्पल्स में अलग अलग ग्रेडिंग होती है, स्टिकर्स लग गए, कुछ भी हो गया। तो ये सब काम कहाँ का है, प्राइमरी सेंटर का है। ठीक है, इसके बाद हम इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर में भेजते हैं। मेगा फूड पार्क का सबसे मेन जो हब है वो यही है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कुछ रिसर्च भी हो सकता है इसके बेसिस पर, या फिर वापस से अगर हमको सॉर्टिंग ग्रेडिंग इन सब करने की ज़रूरत है तो ये होगा। इसके बाद अगर हमको उन प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली अगर डोमेस्टिक मार्केट में सेल करना है तो हम उन फ्रेश प्रोडक्ट्स को डोमेस्टिक रिटेल सेल्स के लिए भेज देंगे। लेकिन अगर हमको लगता है कि उनमें कुछ वैल्यू एडिशन हो सकता है तो हम उन वैल्यू एडिशन में, जैसे मान लो हनी है, तो हनी के हम क्या बना सकते हैं, बार्स बना सकते हैं। इन बार्स को हम जमा के कुछ इसके बाद हम मार्केट में सेल करना चाहते हैं, तो मतलब इसमें वैल्यू एडिशन हो रहा है। अगर पोटैटोज़ हैं तो हम उनके चिप्स बना सकते हैं। मतलब इस तरीके के जो भी हम फूड आइटम्स हैं उनको हम लोग वैल्यू एडिशन करते हैं उनका, और फिर ये प्रोडक्ट हम चाहें तो अपने डोमेस्टिक मार्केट में भी बेच सकते हैं और चाहे तो हम इनको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्टर जो होता है वो इन टर्न अगर चाहे इम्पोर्ट करने के बाद इन सभी चीज़ों को वापस से कुछ वैल्यू एडिशन कर सकता है और उसके बाद वो अपने कंट्री में बेच सकता है। मतलब एक पूरा बड़ा प्रोसेस है मेगा फूड पार्क, मतलब एक बहुत बड़ा प्रोसेस जिसमें इन सभी एक्टिविटीज़ को हम देखते हैं। इसमें बेसिकली फोकस किस पे किया जाता है, जो भी पेरिशेबल फूड आइटम्स होते हैं, जैसे कि आप बनाना देख लो, बनाना आप क्या है 3-4 दिन एक हफ्ते के अंदर ख़राब हो जाता है, तो इसलिए उसको जल्दी से मार्केट में लेके आना, इन सब के लिए एक पूरा प्रॉपर मॉडल होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे बड़े बड़े जहाँ पर भी मेगा फूड पार्क्स लगते हैं वहाँ पर ये सब काम बहुत ही आसान हो जाता है। ये पूरा का पूरा मेगा फूड पार्क जो है ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर में देख रेख में होता है। कुछ और बात करें इसकी, तो कौन इसको इम्प्लीमेंट करता है, तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी यहाँ पर एक स्पेशल पर्पज़ व्हीकल के टाइप की होती है जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर में रजिस्टर्ड होती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के दूसरे एंटिटीज़ हैं या फिर कोई भी प्राइवेट कोऑपरेटिव्स हैं उनको अलग से एक SPV बनाने की ज़रूरत है, बल्कि जो एक SPV बन गया इसी में सब कोई पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके अलावा फंडिंग की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हर एक मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट में लगभग 50 करोड़ रुपीज़ दिया जाता है। इसके अलावा अगर इसमें हम क्लस्टर अप्रोच की हम बात कर रहे थे कि कैसे इसको मैनेज किया जाता है, तो इसमें बेसिकली हम लोग स्टेट ऑफ द आर्ट सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इनबिल्ट करते हैं। मतलब वो सभी साधन जो कि किसी भी फूड थिंग में या फिर जो भी एक फूड की सामग्री है, खाने योग्य है, उसमें वैल्यू एडिशन करता है और इसके बेसिस पर एक बड़ा सप्लाई चेन मेंटेन करता है। इस सप्लाई चेन में हम इनपुट और आउटपुट दोनों देख सकते हैं, मतलब बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज को हम इंश्योर करने के लिए भी मेगा फूड पार्क्स को एस्टैब्लिश करते हैं। इसके अलावा ये प्रोजेक्ट्स के कुछ कंपोनेंट होते हैं, जैसा कि अभी हम बता रहे थे उस डायग्राम में भी हमने देखा कि सबसे पहले कलेक्शन सेंटर होता है, वो कलेक्शन सेंटर प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट्स में जाता है। कलेक्शन सेंटर और प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट्स में क्या होते हैं, बेसिकली इनमें क्लीनिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पैकिंग फैसिलिटीज़ या फिर कुछ कोल्ड स्टोरेजेस भी होते हैं। इनके अलावा जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं इसके पास क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कुछ कॉमन फैसिलिटीज़ होती हैं जो कि प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स में भी होती है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर एक टेस्टिंग फैसिलिटी या भी टेस्टिंग लेबोरेटरी बढ़ जाता है। अब ये टेस्टिंग लेबोरेटरी के चलते ये कुछ टेस्ट वगैरह भी कर सकता है। इसके अलावा इसमें कुछ कोल्ड चेन भी होते हैं और कुछ 30-35
पूरे डेवलप्ड प्लॉट्स होते हैं, जिसके बेसिस पर अगर कोई बाहर से भी एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर में कोई बाहर से आके अपना फूड प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप करना चाहता है तो वो भी इसी मेगा फूड पार्क में अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकता है। तो ये पूरा हमने स्कीम देखा मेगा फूड पार्क की तरफ। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है हमारा, इंडस वैली सेटलर्स हैड ए डिस्टिंक्ट जेनेटिक लीनेज। ये बहुत ही एक अलग न्यूज़ आई है, क्योंकि अभी तक हम हिस्ट्री में अपने क्या पढ़ते हैं कि जो भी हरप्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो बाहर से कहीं माइग्रेट होकर आए थे, ऐसा कुछ पढ़ते हैं ना कि पहले वो हर्डर्स थे या फिर हम बोलते हैं मंगोलिया रीजन से आए थे। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, वो तो यूरोजियन फार्मर्स थे जो कि यहाँ पर आए थे, कुछ यूरोप से बताते हैं, मतलब बहुत सारी हिस्ट्री के जो भी ये कॉन्सेप्ट्स हैं ये फ्लोट करते थे। लेकिन एक अभी जर्नल प्रकाशित हुआ है सिल मैगजीन में, यहाँ के अंदर इन्होंने ये बताया कि एक्चुअल में जो ये हरप्पन सेटलर्स थे इनके बेसिस पर यहाँ पर एक राखीगढ़ी होगा, आप जानते होंगे हरियाणा में हिसार के पास में राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी में से एक हरप्पन सिमेट्री है जहाँ पर मुर्दे दफन किए जाते थे, तो वहाँ पर एक स्केलेटल रिमेन्स के बेसिस पर उन्होंने इसके जीनोम सिक्वेंसिंग कर डाली। और अब पूरी तरीके से जब ये जीनोम सिक्वेंसिंग हो गया तो हमने और भी जगहों से जो आर्कियोलॉजिकल डेटा मिले थे उसके साथ इसको कंबाइन कर दिया। अब यहाँ पर हुआ क्या कि जितने भी लोग बाहर से आए हुए थे, जैसे कि मान लो आप बोल रहे हो यूरेशियन फार्मर्स हैं या फिर जो भी और बाहर के लोग थे, उनके जीनोम सिक्वेंसिंग से या फिर उनके जीनोम से हमने प्रॉपर तरीके से मैच कराया तो कोई भी मैच यहाँ पर नहीं मिला। इसीलिए ये एक बहुत ही नया हमारे सामने एक फैक्ट प्रेजेंट होता है कि जो भी साउथ एशिया के हंटर गैदरर्स थे उनका अपना इंडिपेंडेंट ओरिजिन है। साथ ही साथ ये जो भी हरप्पन सिविलाइजेशन की हम बात करते हैं इसमें दो फेजेस देखने को मिलते हैं, एक तो वो जो कि हंटर और गैदरर कम्युनिटी से थे और वो जो कि बाद में डेवलप होकर एग्रीकल्चरल कम्युनिटी में चेंज हो गए थे। तो इस रिसर्च के अनुसार ये पाया गया है, एक तो ये कि जो भी स्टेपी रीजन और जो भी ईरानियन फार्मर्स थे उनके जीनोम ये वाले जो अभी के हरप्पन सिविलाइजेशन के राखीगढ़ी वाले स्केलेटल के जीनोम से मैच नहीं करता है। लेकिन एक दूसरी बात ये भी सामने आई है कि जो भी पहले के हंटर गैदरर कम्युनिटीज थे और जो बाद के एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज थे, डेवलप्ड एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज थे, इन दोनों के जीनोम काफी मैच करते हैं। मतलब इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी बाहर से इन्फ्लक्स नहीं आया था जिसके बेसिस पर हमारा हरप्पन सिविलाइजेशन डिमिनिश हो गया, गायब हो गया, बल्कि यही हंटर गैदरर कम्युनिटीज ही थे जो कि बाद में एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज में चेंज हो गए, डेवलप हो गए। ठीक है, तो ये कुछ नए साइंटिफिक फैक्ट्स के बेसिस पर इस मैगजीन में एक नया जर्नल प्रकाशित हुआ है जिसके बेसिस पर हमने ये डिस्कस किया। इसके अलावा ये वो भी हाइपोथेसिस को निगेट करता है जिसमें हम ये बताते हैं कि हरप्पन के टाइम पर बहुत सारे साउथ एशिया रीजन से भी बहुत लोग माइग्रेट होके हमारे कंट्री में या फिर उस हरप्पन सिविलाइजेशन वाले एरिया में आए थे। अगला आर्टिकल है हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से रिलेटेड। आपको पता है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हमेशा न्यूज में रहता है, इस बार भी न्यूज में इसलिए है क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सेंटर को एक नोटिस दी है। इसमें बोला है कि देखो क्या है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्रोटेक्शन के लिए 2 महीने के अंदर अंदर आप लोग टाइम बाउंड एक्शन प्लान लेके आओ। टाइम बाउंड एक्शन प्लान क्यों? क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीसीज है। इसकी इंपॉर्टेंस हम इस तरीके से बता सकते हैं कि ये आयुषियन रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ऑलरेडी इंडेमिक हो चुका है, ये केवल और केवल गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर ये शेड्यूल 1 में आता है। कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज के अंदर में इसको इंक्लूड किया जाता है और साइट्स में भी ये अपेंडिक्स 1 में इंक्लूड होता है। इसके अलावा केवल इतना ही नहीं बल्कि इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसके लिए एक रिकवरी प्रोग्राम भी चलता है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर में चल रहा है। इसके अलावा इनके नाम से एक प्रोजेक्ट भी चलता है राजस्थान स्टेट में। इसमें क्या होता है कि इनके लिए हम कुछ ब्रीडिंग ग्राउंड्स डेवलप करते हैं, हम फेंसिंग कर देते हैं जिसके बेसिस पर कोई भी बाहर के जानवर इनको डिस्टर्ब ना करें। इसके अलावा प्रोटेक्टेड एरियाज के बाहर भी इनको ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है जिसके बेसिस पर ये ब्रीडिंग इंक्लोजर्स देख सकें, सिक्योर ब्रीडिंग इंक्लोजर्स देख सकें। तो ये सब बात हमने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए ऑलरेडी कर रखी है और इससे इसका इंपॉर्टेंस भी हम देख सकते हैं। जो भी ऐसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं, इंडेमिक स्पीसीज होते हैं, वो यूपीएससी उनको बहुत टारगेट करती है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है लेकिन ये हमेशा न्यूज में रहती है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज की अगर हम बात करें, यूपीएससी अगर मैच द फॉलोइंग में ये सब चीजें पूछती हैं कि डिजर्ट नेशनल पार्क सेंचुरी कहां पर है, ये राजस्थान में है। एक रोल्लापडु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, नाम से पता चल रहा है कुछ साउथ का रीजन होगा, तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश आप याद कर सकते हो, यहाँ पर आंध्रा वर्ड कहीं से आ रहा होगा या फिर आंध्र प्रदेश, ऐसा कुछ आप लॉजिक लगा सकते हो। करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। तो इन 3 चीज़ों को आप याद कर लो, इसके बेसिस पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में ये क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन भी आप हमेशा याद रखना। अगला न्यूज़ है हमारा स्लिनिक्स 2019 से रिलेटेड। याद होगा कि हमने पिछले डिस्कशन में भी एक ऐसी ही एक्सरसाइज डिस्कस की थी जिसका नाम था इंडो थाई कॉर्पेट एक्सरसाइज, याद है? ये भी एक बाइलेटरल
मैरीटाइम एक्सरसाइज था, और इसी बेसिस पर ये जो इसलिनिक्स है ये भी एक प्रकार का बाइलेटरल मैरीटाइम फ्लीट एक्सरसाइज ही है। इसमें क्या होता है, दो कंट्री जिसका बिल्कुल अच्छे से नाम भी पता चल रहा है कि श्रीलंका और इंडिया का नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है, श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज 2019। ये न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि इसका 7th एडिशन इंडिया में कंडक्ट हो रहा है और इसके बेसिस पर श्रीलंका ने अपनी दो शिप्स इंडिया में इसलिनिक्स 2019 में पार्टिसिपेट करने के लिए भेज दी है। ये 7 सितंबर 2019 को ये कंडक्ट हो चुका है और इसके बेसिस पर इन्होंने बहुत सारे नेवल एक्सरसाइजेस को कंडक्ट किया और इसके अंदर ये लोगों ने हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस भी आपस में कंडक्ट किए। अब ये जो भी इसलिनिक्स है ये ऐसा नहीं है कि हर साल होता है या फिर इसका कुछ भी फिक्स शेड्यूल नहीं है, तो कभी भी यूपीएससी अगर आपको ये स्टेटमेंट देती है कि इसलिनिक्स एक्सरसाइज 2 साल में एक बार होता है या फिर हर साल होता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि 2005 से लेकर अभी तक केवल और केवल ऐसे 6 सक्सेसफुल इसलिनिक्स सीरीज में ही ये मैरीटाइम एक्सरसाइजेस देखने को मिले हैं। इसमें दोनों नेवीज के जो भी मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के प्रोसीजर्स को समझते हैं, उनको हेल्प करते हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी उस रीजन में बना पाएं इसके लिए। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि इंडिया और श्रीलंका में हमेशा ये विवाद चलता रहता है क्योंकि कुछ भी ऐसे फिशरमैन्स होते हैं जो कि इन बाउंड्रीज को अच्छे तरीके से पहचान नहीं पाते हैं, तो उसके बेसिस पर भी हमेशा कुछ ना कुछ डिस्प्यूट इंडिया और श्रीलंका में चलता रहता है, तो उन सभी डिस्प्यूट्स को भी रिजॉल्व करने का काम करता है इसलिनिक्स 2019। इसके अलावा अगला न्यूज है हमारा इंडिया साउथ कोरिया सी लॉजिस्टिक पैक्ट। इसके बेसिस पर अगर हम देखें तो सबसे पहले हम समझें कि लॉजिस्टिक पैक्ट या फिर लॉजिस्टिक एग्रीमेंट आखिरकार क्या होता है। देखो लॉजिस्टिक एग्रीमेंट क्या है कि ऐसे दो कंट्रीज हैं, बहुत दूर दूर हैं, हमेशा क्या होता है कि जो भी उनके मिलिट्री शिप्स होते हैं ऐसे बड़े बड़े वो एक जगह से दूसरे जगह एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते रहते हैं, लेकिन बीच में कोई भी प्रॉब्लम हो गई, कोई भी लॉजिस्टिक सपोर्ट है उसकी कमी आ गई, तो ऐसे कुछ ये लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन कर देते हैं कुछ कंट्रीज के साथ कि अगर साउथ कोरिया से वो निकलते हुए अगर इंडिया की तरफ आ रहे हैं तो, और अगर यूरोपियन कंट्रीज में जाना चाहते थे वो, तो इंडिया में रुक के जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट की उनको जरूरत है वो इंडिया से ले ले और इसके बाद वो फिर आगे बढ़े, तो इसी के बेसिस पर ये लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन होते हैं। यहां पर इसी फैसिलिटेशन की बात होती है कि मान लो फ्यूल्स की कमी हो गई या फिर कोई भी लॉजिस्टिक सपोर्ट की कमी हो गई और भी दूसरे सप्लाईज घट गए, तो इन सभी सप्लाईज को मिलिट्री फैसिलिटीज के अंदर में कंडक्ट किया जाता है और इसके बेसिस पर ये सभी चीजों की पूर्ति की जाती है। तो ऐसे इंडिया के साथ भी होगा, जब इंडिया की शिप्स इधर जाएंगी तो ये साउथ कोरिया में हॉल्ट करके इन सभी सर्विसेज को ले सकती हैं, तो इसी के बेसिस पर ये लॉजिस्टिक पैक्ट या लॉजिस्टिक एग्रीमेंट इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में हुआ है। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये है कि इंडिया का जो इंडो पैसिफिक रीजन में रीच है ना वो बढ़ गया, अब वहां पर इंडिया अपने मिलिट्री शिप्स को डॉक कर पाएगा। इसके अलावा इसमें क्या होगा कि जो भी साउथ कोरिया एक ऐसा कंट्री बन जाएगा जो कि इंडिया के दूसरे पार्टनर्स जो कि ऐसे बायलेटरल पैक्ट में ऑलरेडी हैं जैसे कि यूएस है, फ्रांस है, उसमें साउथ कोरिया भी इंक्लूड हो जाएगा। अब इसके बेसिस पर हम ये समझ सकते हैं कि साउथ कोरिया से हमारा जो भी एक ट्रेड रिलेशन है वो भी ज़्यादा इम्प्रूव होगा। इसके अलावा जो भी और दूसरे कंट्रीज़ हैं जिसको अभी तक हम मिलिट्री लॉजिस्टिक शेयरिंग एग्रीमेंट के अंदर में हमने पार्टिसिपेट किया है, उसमें से यूएस, फ्रांस, ओमान और सिंगापुर हैं। इसके अलावा इस साल के अंत में ये बोला जा रहा है कि मिलिट्री लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट्स हम जापान, रशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी साइन करने के लिए तैयार हैं, तो इस बार हम देख सकते हैं कि साल के अंत में ये भी 3 मिलिट्री लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट्स साइन हो सकते हैं। अगला आर्टिकल है हमारा सतर्क। जैसा कि नाम से हमें सजेस्ट कर रहा है कि ये हमें किसी भी बड़ी आपदा से बचाने का काम करेगा सतर्क। सतर्क एक मोबाइल एप्लीकेशन है या फिर हम यूं बोलें कि एक वेब बेस्ड ऐप है या फिर स्मार्टफोन बेस्ड ऐप है। इसके बेसिस पर जो भी ओडिशा स्टेट का डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसको इस मोबाइल एप्लीकेशन को इनोवेट करने के लिए, बनाने के लिए आईटी एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। अब इसमें है क्या, जैसा कि डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का नाम आते ही आप समझ गए होंगे कि जितने भी डिजास्टर रिस्क इन्फॉर्मेशन होते हैं उनके बेसिस पर यह एप्लीकेशन आपको अलर्ट करता है। साथ ही साथ अब आपको पता है कि मोबाइल आजकल सभी के हाथों में होता है, तो ये क्या करता है कि सभी चेंजेस जो भी क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं उनको ट्रैक करता रहता है और कभी भी कोई भी मिस हैपनिंग्स अगर होने वाली होती हैं तो प्रायर टाइम पे रियल टाइम सिचुएशन पर ये उनको अलर्ट करता है। इसी के बेसिस पर इनको आईटी एक्सेलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। सतर्क ऐप की थोड़ी सी अगर हम और बात करें कौन कौन बनाया है इसको, तो इसमें एक तो हमने देखा कि ओडिशा स्टेट के डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वाले हैं। इसके अलावा राइम्स है, राइम्स मतलब रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर अफ्रीका एंड एशिया। इसके बारे में अभी हम डिटेल से चर्चा करेंगे, फिलहाल अभी हम थोड़ा सा सतर्क के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेते हैं।
ये एक प्रकार का रियल टाइम वॉच है, मतलब जो भी करंट सिचुएशन चलता रहेगा उसी को आप तक अलर्ट पहुंचा देगा। कोई भी अलर्ट हो सकता है, ये हीट वेव का अलर्ट हो सकता है, लाइटनिंग का अलर्ट हो सकता है, ड्रॉट, ओशन स्टेट इन्फॉर्मेशन, फ्लड्स, किसी भी फॉर्म का अगर हैजार्ड उस स्टेट में आता है तो आपको ये अलर्ट कर देगा। इसके अलावा इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम पर बेस्ड है, मतलब कि इसको बार बार इन्फॉर्मेशन या कमांड देने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में चीज़ों को सीखता है, जो भी सीजनल साइकिल्स हुए हैं उनको पढ़ता है और उसी के बेसिस पर ये दिन पर दिन अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करता है कि और एक्यूरेट प्रेडिक्शन कैसे किया जा सके इन हैजार्ड्स का, और उसके बेसिस पर ये आपको अलर्ट करने का काम करता है। यहाँ पर हमने बात की थी राइम्स की, तो एक बार हम पढ़ने की कोशिश करते हैं ये राइम्स क्या है। राइम्स एक प्रकार का इंटरनेशनल और इंटर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन है जिसमें इनके जो भी मेंबर स्टेट्स होते हैं वही इसको मैनेज करते हैं, इसी को ऑन करते हैं, और ये बेसिकली अर्ली वार्निंग इन्फॉर्मेशन के एप्लीकेशन पर काम करते हैं। अगर हम बात करें कि ये राइम्स जो है ये आखिरकार कैसे बना, तो आप सभी को याद होगा कि 2004 में एक इंडियन ओशन सुनामी के नाम से बहुत बड़ा सुनामी हमारे कंट्री में आया था। ये सुनामी जो था इसी के चलते क्या हुआ, 2009 तक आते आते इसको राइम्स बनाया गया, और राइम्स के अंडर में हमने इन एप्लीकेशंस को डेवलप करना स्टार्ट किया। इसके लिए जो भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं उनके मेंबर्स का एक बड़ा सा काउंसिल बनता है, वही इसको ओन और मैनेज करते हैं। अगर हम बात करें कि राइम्स क्या कहाँ पर इस्टेब्लिश्ड है, तो ये बेसिकली थाईलैंड के एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक कैंपस के अंदर में इसको एक अर्ली वार्निंग सेंटर के नाम से राइम्स को हमने एस्टैब्लिश कर रखा है। अगला स्कीम है हमारा नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। ये एक प्रकार का 100% सेंट्रली फंडेड प्रोग्राम है। ये न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि 11th ऑफ सितंबर 2019 को हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इस स्कीम को लॉन्च करेंगे, जिसके बेसिस पर हम फूट एंड माउथ डिसीज और ब्रुसेलोसिस को खत्म करना चाहते हैं। ये दोनों ऐसे डिसीजेज हैं जो कि कैटल्स को होते हैं, कैटल्स मतलब शीप, गोट, काउ, बफलो, या फिर जो भी क्लोवेन हूफ ड्रोमिनेंट्स होते हैं। क्लोवेन हूफ ड्रोमिनेंट्स का मतलब जिसके पैर कुछ इस प्रकार से होते हैं, आप देखते होंगे बकरियों का, गायों का कुछ पैर ऐसे नीचे से होता है ना, तो उन एनिमल्स को ये फूट एंड माउथ डिसीज और ब्रुसेलोसिस हो सकता है। इस पूरे प्रोग्राम को दो फेज में डिवाइड किया गया है। एक तो 2025 तक का डेडलाइन दिया गया है, इसके बेसिस पर हम वैक्सीनेशन प्रोसेस के थ्रू फूट एंड माउथ डिसीज को कंट्रोल करेंगे, साथ ही साथ ब्रुसेलोसिस को भी कंट्रोल करेंगे, लेकिन 2030 तक आते आते हम इसी वैक्सीनेशन प्रोसेस के थ्रू इसको इवेंचुअली इरेडिकेट भी करना चाहते हैं। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें फूट एंड माउथ डिसीज की, तो ये जैसा कि हमने बताया कि लाइव स्टॉक्स को होता है और ये एक प्रकार का सीवियर हाईली कॉन्टेगुअस वायरल डिसीज है, तो ये हमेशा याद रखना कि ये वायरस के कारण होता है, वायरल डिसीज है ये। और इस वायरस को जिसको हम लोग FMD वायरस के नाम से जानते हैं, ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल एंड हेल्थ OIE के 4th रिस्क ग्रुप में कंसिडर किया जाता है। इसके बेसिस पर जो भी एनिमल्स होते हैं वो फिजिकली कांटेक्ट अगर करते हैं दूसरे एनिमल्स से जो कि इस FMD वायरस से ग्रसित हैं, तो वो भी ससेप्टिबल हो जाते हैं इस FMD वायरस के चलते। हम ऐसा देखते हैं कि जो भी काऊ और बेफलो जिसको FMD वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है, उसका 4 से 6 महीने तक का 100% मिल्क लॉस देखने को मिलता है। ये हमेशा याद रखना आप कि फूट एंड माउथ डिसीज में हमेशा के लिए मिल्क लॉस नहीं हो रहा है, केवल 4 से 6 महीने तक पूरा का पूरा मिल्क लॉस हो रहा है। लेकिन अगर उसके जस्ट ऑपोजिट हम ब्रुसेलोसिस की बात करेंगे, तो ब्रुसेलोसिस में पूरे जीवन के लिए उनका मिल्क आउटपुट 30% तक रिड्यूस हो जाता है। तो दोनों में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ब्रुसेलोसिस को हम लोग अंडुलेंट फीवर, माल्टा फीवर या फिर मेडिटेरेनियन फीवर के भी नाम से जानते हैं। ये एक प्रकार का जूनोटिक इन्फेक्शन है। जूनोटिक इन्फेक्शन क्या होता है कि बेसिकली ये कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जिसको हम लोग दो एनिमल्स के बीच में भी स्प्रेड होता हुआ देख सकते हैं, या फिर ये एनिमल से ह्यूमंस में भी ट्रांसफर हो सकते हैं। तो एनिमल और ह्यूमंस के बीच में भी ऐसे इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो ब्रुसेलोसिस जो है वो ह्यूमन और एनिमल्स दोनों को हो सकते हैं। इसके पीछे एक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, और वहां पर जो हम फूट एंड माउथ डिसीज देख रहे थे उसके लिए एक वायरस रिस्पॉन्सिबल था। ये बैक्टीरिया ब्रुसेला जीनस का है। ये एनिमल्स टू ह्यूमंस भी ट्रांसफर हो सकते हैं अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं हम उन एनिमल्स के, या फिर जो भी इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं उनके आसपास जो भी फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको हम ग्रहण करते हैं, या फिर हम एरोसोल को इनहेल करते हैं तब भी हम ब्रुसेलोसिस से अफेक्टेड हो सकते हैं। तो इतना कुछ हमने जानकारी प्राप्त किया। अगर हम वापस से डिस्कस करें कि कौन कौन से आर्टिकल आज हमने डिस्कस किए हैं, सबसे पहले हमने मेगा फूड पार्क के बारे में डिस्कस किया था। इसके बाद हमने अपना अगला स्कीम इंडस वैली सेटलर्स हैड ए डिस्टिंक्ट जेनेटिक लीनियज के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हमने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में पढ़ा, स्लिनक्स 2019 के बारे में पढ़ा, इंडिया और साउथ कोरिया ने एक लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन किया है उसके बारे में पढ़ा, हमने सतर्क एप्लीकेशन की बात की, और आखिरी में हमने नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में बात किया। तो आज के डिस्कशन में बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली। हैव अ नाइस डे।